नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस कुंडली मारकर बैठ चुका है और इस सांप की पूंछ दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। 4 अप्रैल को भारत में कोरोना वायरस के 1,00,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए थे, जो कि अभी तक के एक दिन में आए हुए सबसे ज्यादा केसेस है। ऐसे में एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जिन लोगों को एक बार कोरोना हो चुका है, क्या उन्हें वापस से इस वायरस से लड़ना पड़ सकता है? जवाब थोड़ा उलझा हुआ है, मगर इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में भारत की सर्वोच्च संस्थान यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का दावा है कि भारत में कोरोना वायरस री इन्फेक्शन के 4.5% केसेस सामने आए हैं। अब यह री इन्फेक्शन क्या बला है, चलिए इसे समझते हैं। री इन्फेक्शन यानी कि कोरोना से दूसरी बार इन्फेक्ट होना। ICMR का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है और 102 दिन में नेगेटिव होकर फिर से पॉजिटिव हो जाता है तो उसे री इन्फेक्शन माना जाएगा। दरअसल ICMR के वैज्ञानिकों की टीम ने 1300 लोगों के मामले की पड़ताल की थी, जो कि 2 बार कोरोना पॉजिटिव निकले। रिसर्चर्स को पता चला है कि 1300 में से 58 केसेस यानी कि 4.5% लोग री इन्फेक्शन का शिकार हुए। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से री इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं, इसे लेकर साइंटिफिक कम्युनिटी में बहस चल रही है। यह साफ नहीं हो पा रहा है कि कोरोना होने पर शरीर में बनी एंटीबॉडीज हमेशा के लिए रहती है या फिर कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। कुछ डॉक्टर्स का यह भी मानना है कि जब तक पॉजिटिव केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो जाती, तब तक कोई दावे के साथ नहीं कह सकता है कि ये कोरोना वायरस का री इन्फेक्शन हुआ है। उनका कहना है कि कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी अक्सर वायरस की थोड़ी बहुत मात्रा शरीर में रह जाती है, इसे परसिस्टेंट वायरस शेडिंग कहते हैं। ये वायरस बहुत कम मात्रा में शरीर में रहता है, इसकी वजह से ना तो बुखार आता है ना ही कोई लक्षण दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि ये व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट भी नहीं कर सकता। मगर जब इनमें कोरोना का टेस्ट किया जाता है तो चांसेस रहते हैं कि रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, मगर इसे रीइन्फेक्शन नहीं कहा जा सकता। ऐसे में सिर्फ जीनोम सीक्वेंसिंग से ही बता सकते हैं कि ये कोरोना वायरस का रीइन्फेक्शन है या फिर नहीं। अब जरा देख लेते हैं कि क्या इससे पहले भी रीइन्फेक्शन के केसेस सामने आए हैं। तो जवाब है हाँ। दुनिया भर में रीइन्फेक्शन के केसेस सबसे पहले अगस्त 2020 में हांगकांग में सामने आया था। 33 वर्षीय व्यक्ति मार्च 2020 में कोरोना से इन्फेक्ट हुआ था। अगस्त में वह दोबारा कोरोना पॉजिटिव हो गया और इसके बाद अमेरिका, बेल्जियम और चीन में भी कई बार कोरोना के री इन्फेक्शन के केसेस सामने आए हैं, जिनमें जीनोम सीक्वेंसिंग भी हुई थी। तो चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि कोरोना री इन्फेक्शन के क्या सबसे बड़े कारण हो सकते हैं। री इन्फेक्शन के पीछे की सबसे बड़ी वजह हो सकती है कोरोना वायरस में होने वाले म्यूटेशन। इसकी वजह है कि वायरस नए नए अंदाज और नए नए अवतारों में हमारे सामने आ रहा है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पहले पॉजिटिव होकर नेगेटिव हुआ था तो वह नए स्ट्रेन से फिर इन्फेक्ट हो सकता है। डॉक्टर्स का मानना है कि कोरोना के हर नए स्ट्रेन के साथ लक्षण भी बदलते जाते हैं। नए लक्षणों में आपको ठंड लगकर बुखार आ सकता है, आंखों में लालपन महसूस हो सकता है, बदन दर्द हो सकता है और साथ में उल्टी दस्त जैसे लक्षण भी शामिल है। अब इस कोरोना की नई बला से बचने का क्या उपाय है? तो उपाय आसान है और हम सब जानते हैं, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, क्योंकि सिर्फ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही है जो हमारे इस गले की हड्डी का इलाज कर सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कोरोना वायरस री इन्फेक्शन के बारे में ज्यादा जानकारी ले पाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप खबर मध्य प्रदेश के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ातरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।